आप देख रहे हैं वार्ता 24। हमें पूरा यकीन है कि अगर हमें कुछ होता है तो आपके दिल में जरूर दर्द होगा। हम इस देश की सोई हुई जनता को जगाना चाहते हैं। हमारा संबोधन इस देश की जनता से है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि जिस दिन इस देश की जनता जाग गई और सड़कों के ऊपर उतर के आ गई, तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी उखाड़ के फेंक सकती है इस देश की जनता। इसलिए हम लोग अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप कहते हैं कि भारत के तो सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं। भारत के लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, भारत के लोग फर्स्ट क्लास लोग हैं। और अगर लोकपाल बिल आ गया तो अन्ना जी तो कहते हैं कि 60% भ्रष्टाचार कम होगा। मैं कहता हूं अन्ना जी 90% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं, सर कटा सकते हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूं, मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेके नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। आपके जो आरोप है, आपने जो आरोप है बोला गया पैसे लिए आपने, आपके बुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड दीजिए। कहा हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं सर, उसी से लगता है। मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। आप देख रहे हैं वार्ता 24।